पास्ता की रेसिपी बताऊंगी। जो मैंने ये पास्ता लिया है, जो इस तरह से इसका डिज़ाइन है, ये कोई भी सुपरमार्केट में अपने को मिल जाएंगे। ये टमाटर है, ये मैंने टमाटर लिया है, एक टमाटर लेके इस तरह से काट लिया है। गाजर है, थोड़े से गाजर इस तरह से काट लीजिए। ये शिमला मिर्च है और थोड़े से बीन्स हैं, बीन्स की फली। ये थोड़े से प्याज है जो मैंने इसे छोटे छोटे काट लिया है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून लीजिए। ये काली मिर्च है, 2 टेबल स्पून। ये लाल मिर्च है, ये भी 2 टेबल स्पून। ये नमक है, स्वाद अनुसार नमक लीजिए। ये थोड़ी सी फ्रेश क्रीम है जो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ है, ये गार्निश के लिए चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं बटर में बना रही हूँ, रिफाइंड के बजाय अपन बटर में बनाएंगे तो टेस्टी बनेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक भगोने में मैंने 1 लीटर उतना पानी लिया है, जो उसको गर्म करने के लिए रख दिया है फुल फ्लेम पर। हम इसमें हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा, इसको हिला लीजिए। ये जब पक जाए तो अपना पास्ता हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल भी डालिए ताकि पास्ता एक दूसरे को ना चिपके। थोड़ा सा पकने दीजिए। उबल आ चुका है, मैं अपना गैस का जो फ्लेम है वो कम कर रही हूँ। फिर हम इसमें अपना जो पास्ता है वो डाल देंगे। इसको मिक्स करिए, थोड़ी थोड़ी देर को ये देखते रहिए ताकि अपना पास्ता जो है वो नीचे से चिपके ना और ज़्यादा ना गले। बस अब इसको हिलाते रहिए तब तक अपना पास्ता पक ना जाए। आप देख सकते हैं अपना पास्ता जो है ये अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं। चलिए पक चुका है, अब हम इसको छान लेते हैं। मैंने स्टोव ऑफ कर दिया, इसको मैं छान रही हूँ। मैंने इसको छान लिया है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए अलग से रख लेते हैं। तब तक हम अपना जो पास्ता बनाने का रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। जो बटर है हम इसमें डाल देंगे, अपना पैन भी गर्म हो चुका है। बटर में बनाओगे आप पास्ता तो इसका स्वाद ही अलग रहेगा। आप इसको बटर में ज़रूर बना के ट्राई करिए, देखिए बहुत अच्छा बनता है। दो क्यूब्स डाला है मैंने, इसको मेल्ट होने देते हैं। अपना जो बटर है मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ जो मैंने बारीक काट ली थी। इसको हल्के से लाल होने दीजिए। जो प्याज है वो थोड़ी सी लाल हो गई, अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको मिलाएंगे इस तरह से। मीडियम फ्लेम पे रखिए और इस तरह से इसको पकाते रहिए। अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से मेल्ट हो गया, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। गाजर भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च भी डाल देंगे।
और थोड़े से मैंने बीन्स बताया था आपको, बीन्स भी डाल दें। इसको 10 मिनट तक आप इसी तरह से भूनते रहिए ताकि ये नरम हो जाए। ये 10 मिनट हो चुके हैं अपने। अब हम इसमें ये जो लाल मिर्च है ये डाल देंगे। आप चाहे तो इसके बजाय चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ मैं। ये नमक है, मैंने पहले पास्ता में नमक डाला है इसलिए थोड़ा सा डालिए, कहीं खारा ना हो जाए, देकर डालिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लें। फीके होते हैं अपने जो पास्ता है तो उसको थोड़ा सा तेज़ी रखेंगे तो मज़ा अच्छा आएगा। अब हम इसमें जो अपनी फ्रेश क्रीम है वो भी ऐड कर देते हैं। ऑप्शनल है फ्रेश क्रीम, अगर डालना है डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए अपना मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो अपना पास्ता है वो डाल देंगे। पास्ता जो है वो ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेके हम इसको इस पर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। ये चीज़ लिया है मैंने, आपको बताया भी था, वो मिला देंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया अपना मसाला, सब कुछ तैयार हो गया। अब थोड़ा सा हम इस चीज़ इसमें स्प्रेड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। चलिए थोड़ा सा इसको मिक्स कर लीजिए इस तरह से। इसमें हम थोड़ा सा एक 5 मिनट के लिए ढक्कन ढाँप देते हैं। कम फ्लेम में रखिए और इसको इस तरह से ढक्कन ढाँप दीजिए। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसका जो कवर है वो हटा दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अपने पास बनकर रेडी हो चुके हैं, अच्छी सी स्मेल भी आ रही है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल देते हैं। स्टोव ऑफ कर दिया मैंने, सर्विंग बोल में पास्ता निकाल रहे हैं। देखिए मैंने अपने पास्ता को सर्विंग बोल में निकाल दिया। थोड़ा सा हम इसमें चीज़ डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जल्दी से बन गया अपना पास्ता। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।